हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट नेम इज शाहीन एंड इन दिस लेक्चर वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम सो इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को समझने से पहले आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि बहुत सारी कंट्री करंसीज़ में डील करती है जैसे कि अमेरिका डील करने की जो अमेरिका है उसकी डीलिंग कंट्री हो हो गई आपकी डॉलर और जो इंडिया है उसकी हो गई आपकी आई ठीक है इंडिया है उनका हो गया इंडियन रुपीस सो इसी तरीके से अलग अलग कंट्री अलग अलग फॉरेन एक्सचेंज में डील करती है और जिसके लिए बहुत सारी डीलिंग की ज़रूरत पड़ती है जैसे कि करेंसी को एक्सचेंज करने की भी ज़रूरत पड़ती है एक कंट्री दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज होती है और उसकी वजह से बहुत सारा एक्सचेंज रेट में डिफरेंस आता है और फ्लक्चुएशंस होती है इन ही रूल्स को इन ही प्रोसीजर्स को फॉलो करने के लिए और देखने के लिए कि ये जो है सिस्टम सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे इसके लिए आपका क्या बनाया गया इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो कि जिसका काम ये है बेसिकली कि वो आपकी जो भी रेग रूल्स रेगुलेशन फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड हो रहा है उनका आउटपुट समझ सके और उनका आउटपुट देख सके कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह तो नहीं आ रहे इंटरनेशनल मोनिट्री सिस्टम की बात करूं तो इसका मतलब है रेफर्स टू द ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो ऑपरेट करता है डील करता है किसमें फाइनेंशियल इन्वामेंट में बहुत सारे टाइप के इन्वायरमेंट होते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट तो फाइनेंस से रिलेटेड पैसों से रिलेटेड जब हम इन्वायरमेंट में ऑपरेट करते हैं काम करते हैं दैट कंजिस्ट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अब इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बैंक आ गए आपकी एमएनसी आ गई मल्टीनेशनल नेशनल कॉर्पोरेशंस आ गए और इन्वेस्टर्स आ गए जब हम ऑपरेट करते हैं अलग अलग आपके इन्वामेंट में फाइनेंस से रिलेटेड कौन कौन डील करता है जैसे कि बैंक्स हो गए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए कॉरपोरेशंस हो गए इन्वेस्टर्स हो गए तो इनको हम पूरा मिक्सअप को इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम कहते हैं या तो फिर आप बोल सकते हो कि जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम है वो प्रोवाइड करता है देता है एक ऐसा फ्रेमवर्क एक ऐसा प्लान एक ऐसा स्ट्रक्चर प्लान देता है एक ऐसा स्ट्रक्चर देता है एंड डिटरमाइनिंग द रूल्स रूल्स बताता है प्रोसीजर्स बताता है फॉर इंटरनेशनल पेमेंट्स आप इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे करोगे किस तरीके किस करेंसी को कैसे एक्सचेंज करना है इन सब का फ्रेमवर्क सबके रूल्स कौन बताता है इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम बताता है और ये ना केवल ये बताता है ये डिटरमाइन भी करता है कैलकुलेट भी करता है एक्सचेंज रेट्स और कैपिटल की मूवमेंट को चूंकि इंटरनेशनल नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर रही है उस पूरे सिस्टम को हमने इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम बोला गया है होपफुली ये डेफिनेशन आपके हेड में क्लियर हो गई होगी नाउ यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम की डीलिंग करते हैं तो बहुत सारे एरा को बहुत सारे पीरियड को पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो एरा था वो था बायोमेटेलिज्म का जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर को क्या किया जाता था एक साथ लेके करेंसी में एक्सचेंज किया जाता था बिफोर 1870 1870 से पहले द इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम जो इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम था वो बायोमेटलिज्म मेटलिज्म था जहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स को यूज़ किया जाता था इंटरनेशनल पेमेंट्स करने के लिए जैसे कि एक्सपोर्ट किया अपने इम्पोर्ट किया तो उनकी जो एक्सचेंज होता था करेंसी का वो कैसे होता था गोल्ड और सिल्वर की टर्म्स में नाउ द एक्सचेंज रेट अमंग करेंसीज करेंसी जो एक्सचेंज होती थी एक करेंसी दूसरी से दूसरी तीसरी से टिट्र माइंड बाई दियर किसके हिसाब से चेंज होती थी गोल्ड और सिल्वर के कंटेंट के हिसाब से या तो कुछ कंट्रीज सिर्फ गोल्ड में भी डील करती थी कुछ कंट्रीज सिल्वर में भी डील करती थी केवल और कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो गोल्ड और सिल्वर दोनों में डील करती थी तो ये कौन सा पीरियड था बायोमेटलिज्म का इसके बाद कौन सा 1870 इसके बाद जो पीरियड आया वो था इंटरनेशनल गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि 1875 से 1914 तक चला अब नाम से समझ रहे हो गोल्ड स्टैंडर्ड इज द चेंज ऑफ एक्सचेंज ऑफ करेंसी इन टर्म्स ऑफ गोल्ड गोल्ड की टर्म्स में हम एक्सचेंज करेंगे ठीक है गोल्ड इकलौता गोल्ड अलोन जो सम था एश्योर्ड था वो गोल्ड अकेला था जिसको उस टाइम पे सिनेरियो में रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता था मतलब रुकावट नहीं लगाई जाती थी इससे देयर वॉज अ टू वे कन्वर्टिबिलिटी टू वे कन्वर्टिबिलिटी का मतलब दो तरीके से रास्ते थे ठीक है बिटवीन गोल्ड एंड नेशनल करेंसी या तो आप करेंसी में चेंज करो और करेंसी को आप किस में चेंज करोगे गोल्ड में नो no रिस्ट्रिक्शंस कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी अगर आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कर रहे हो तो कोई रुकावट नहीं होती थी द एक्सचेंज रेट दो करेंसी का वो किसकी टर्म्स में डिवाइड किया जाता था गोल्ड की टर्म्स में डिवाइड किया जाता था गोल्ड स्टैंडर्ड वो कहता है ना गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कौन सा एरा था ये 1945 से 1972 तक का पीरियड था जिसमें ब्रेटन वुड सिस्टम को स्टैब्लिश किया गया ब्रेटन वुड आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है जो कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में आया था एंड वाज इन एक्जिस्टेंस ड्यूरिंग द पीरियड 1944 में जो 44 नेशंस थे मिल के उन्होंने ब्रेटन वुड को बनाया था न्यू हेमस्फायर एंड डिज़ाइन अ न्यू पोस्ट वॉर इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम और इस सिस्टम को कहीं ना कहीं गोल्ड और फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए बनाया गया दिस सिस्टम एडवोकेटेड ऑप्शन ऑफ एक्सचेंज रेट स्टैंडर्ड इंक्लूड बोथ किस किस को आप इंक्लूड कर रहे हो गोल्ड को एंड फॉरेन एक्सचेंज को फॉरेन एक्सचेंज दोनों को ही आप कहीं ना कहीं एक्सचेंज रेट का मीडियम बना रहे हो नाउ द नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट वन से पहले जहाँ पे ब्रेटन वुड की बात करोगे तो ब्रेटन वुड के अंदर आपने एक डेफिसिट वाली भी बात करनी है अंडर दिस सिस्टम द रिजर्व करेंसी कंट्री वुड एम टू रन अ बैलेंस ऑफ पेमेंट तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट को समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट इज इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स जो कि इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स होती है उनको रिकॉर्ड किया जाता है थ्रू नेशनल कंट्रीज मतलब कंट्री का बाहर की कंट्री के साथ कितना इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल में कितनी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही है विद द नेशनल बाउंड्रीज और विदाउट द नेशनल बाउंड्रीज मतलब विद द इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ तो बीओपी के अंदर जब आप डेप्थ में पढ़ते हो तो दो सिचुएशंस आती हैं एक बीओपी सरप्लस की सरप्लस की और एक होती है बीओपी डेफिसिट की तो जब बिजनेस इन्वायरमेंट पढ़ोगे आप कॉमर्स में जो सब्जेक्ट होता है बिजनेस इन्वायरमेंट उसमें डिटेल बी के बारे में डिस्कशन करोगे बस यहाँ पे एक टर्म आई है दैट इज वाई आई हैव टू एक्सप्लेन दिस BOP का जो सरप्लस होता है तो ये तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है लेकिन BOP का जो डेफिसिट होता है वो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है तो इन्होंने बोला इस सिस्टम के अंदर एक रिज़र्व करेंसी बनाई गई करेंसी को रिजर्व फॉर्मेट में बनाया गया कंट्री वुड एम टू रन ताकि कि जो BOP डेफिसिट है उससे कोपअप किया जा सके बीओपी डेफिसिट को क्या किया जा सके यूटिलाइज किया जा सके टू तो सप्लाई रिजर्व इन सच डेफिसिट टर्नड आउट टू बी वेरी लार्ज देन द रिजर्व करेंसी इट सेल्फ वुड विटनेस क्राइसिस और अगर आप इसको नहीं रोकोगे बीओपी के डेफिसिट को नहीं कंट्रोल कर पाओगे तो एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस आ जाएगी जिसको ट्रिफिन पैराडॉक्स के नाम से भी जाना जाता है जब बीओपी डेफिसिट अनकंट्रोलेबल सिचुएशन में हो जाती है देन तो यहाँ पे ब्रेटन वुड के बारे में बात किया गया फिर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आ गया जब एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में चेंज होने लगा करंट्री एक कंट्री की जो करेंसी है दूसरी कंट्री की करेंसी में जब एक्सचेंज होने लगी तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट यूरोपियन और जापानीज कंट करेंसी थी इस टाइम पे बहुत तेज़ी से चल रही थी 1973 का टाइम था जो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट रेगाइम था वो रेटिफाई किया गया 1976 में उसमें कुछ चेंजेस लेके आए और आई एम एफ एग्रीमेंट से द्वारा इसको लाया गया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को लाया गया और ये एग्रीमेंट क्या कहता था दीमेंट दैट सेंट्रल बैंक्स ऑफ रिस्पेक्टेड कंट्री अलग अलग सेंट्रल बैंक्स दखल अंदाजी दे सकते हैं अगर कोई कंट्री अनवांटेड है या कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस है उससे रिलेटेड तो क्या बोला गया एग्रीमेंट ने बताया दैट सेंट्रल बैंक ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज कुड इंटरवीन दखल दे सकती हैं एक्सचेंज मार्केट्स में टू गार्ड अगेंस्ट अनवांटेड अनवारंटेड फ्लक्चुएश अगर आ रही है तो वो उसके अंदर दखल अंदाजी दे सकती है तो ये था इंटरनेशनल मॉनिटरी सिस्टम बेसिकली एक ऐसा रूल्स प्रोसीजर एक ऐसा फ्रेमवर्क जो कि कहीं ना कहीं इंटर International payments related सारे output को को करके रखता है। पहला उसके उसके बाद हम लोगों ने उसके एराज को डिस्कस किया। जुलाई फंड के बारे में अब हम discussion करेंगे। ये आया कब था? जुलाई 1944 में। नाउ इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है इसको नोट डाउन कर सकते हो आप मेंबर्स कंट्री है इसकी 190 कौन कौन सी इसकी मेंबर कंट्री नहीं है उसको आपको पढ़ना पड़ेगा इंपॉर्टेंट एग्जाम फ्रेम से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन कब पाई गई थी 1944 में और इसका बेसिकली मेन एम होता है लोन्स वग़ैरह प्रोवाइड करना जो पुअर कंट्रीज है इवन जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना टैरिफ टैक्सेस वग़ैरह को कम करना ये होता है आईएमएफ का मेन मकसद द पोस्ट फॉर इकोनॉमिक सेटलमेंट जिसके अंदर ब्रेटनवुड सिस्टम अभी हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ऑफ़ मैनेज्ड एक्सचेंज रेट इन्होंने ये दिया था और इन्होंने ये जो दो आपके हैं इकोनॉमिस्ट इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट मेन रोल प्ले किया था आई के लिए नाउ सबसे पहला जो एम होता है आईएमएफ का वो ये होता है लोन प्रोवाइड करना जब जरूरत हो नियरली सारे के सारे मेंबर्स यूएन के इसका पार्ट है आईएमएफ का पार्ट है सारे के सारे यूनाइटेड नेशन के मेंबर लेकिन कुछ नहीं है और जो कुछ नहीं है उनका नाम क्या है जो कुछ नहीं है उनका नाम है क्यूबा लिशेंट और एंडोरा ठीक है ये तीन है ये आपको एग्ज़ाम के फ्रेम से याद रखना है ना आई एम एफ एक इंडिपेंडेंट है आई एम एफ इंडिपेंडेंट बॉडी है वर्ल्ड बैंक से इंडिपेंडेंट बॉडी है लेकिन दोनों ही यूनाइटेड नेशन एजेंसी का पार्ट है और दोनों ही कहीं ना कहीं लिविंग स्टैंडर्ड्स को बढ़ाने की बात करते हैं और जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो मेन फोकस है वो लॉन्ग टर्म लोन को रेज करने का है तो यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं आप वो लिख सकते हो अपनी एग्जाम जो भी आपने नोट्स बनाए हैं और उसको मेमोराइज कर सकते हो क्योंकि यहां पे मेमोराइज वाला पार्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट नाउ द नेक्स्ट वन उसके बाद फंक्शंस आईएमएफ के फंक्शंस क्या है इंटरनेशनल मॉनिटरी कॉर्पोरेशन कोऑपरेशन का मतलब मिलजुल के काम करो मनी की जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके अंदर फ्लक्चुएशंस हो रही है तो भी उसकी डीलिंग ठीक तरीके से होनी चाहिए एक्सचेंज रेट की स्टेबिलिटी को बढ़ाओ बैलेंस ऑफ पेमेंट एडजस्टमेंट को ठीक करो मतलब डेफिसिट ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और हेल्प्स डील इन इकनॉमिक क्राइसिस बाय प्रोवाइडिंग इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन लोन्स प्लस एडवाइज अलग अलग एडवाइस दे के लोन्स वगैरह दे के आप क्या कर सकते हो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आती है उनको डीलिंग कर सकते हो वट द आई एम एफ डज इन प्रैक्टिस आई एम एफ का क्या क्या काम होता है आई एम एफ का मेन काम मैंने बता दिया आपको लोन्स वगैरह प्रोवाइड करना आई एम एफ कब बना ये भी मैंने आपको बता दिया आई एम एफ के कितने मेंबर्स हैं ये भी मैंने बता दिया और यूनाइटेड नेशन के कितने मेंबर्स हैं जो आई एम एफ का पार्ट नहीं है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया नाउ आईएमएफ क्या करता है व्हाट द आईएमएफ डज इन प्रैक्टिस सबसे पहले इकोनॉमिक सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग निगरानी रखना ठीक है निगरानी रखने का काम होता है आपका आ, इकोनॉमिक सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग का काम होता है आपका आईएमएफ का नाउ द नेक्स्ट वन इज आईएमएफ रिपोर्ट्स प्रोड्यूस रिपोर्ट्स ऑन मेंबर कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज के बेसिस पे अलग अलग रिपोर्ट बनाता है आई और ये बताता है कि यहाँ पे वीकनेस है यहाँ पे डेंजर का खतरा है तो उस सिचुएशन में वहाँ से कैसे कोपअप किया जा सके उस इंबैलेंस को कैसे बैलेंस किया जा सके ये भी आईएमएफ आपको बताता है एग्जाम्पल अनबैलेंस्ड इकोनॉमिक विद लार्ज करंट अकाउंट डेफिसिट एक्सेस डेट लेवल्स ज्यादा लेवल्स बढ़ जाते हैं आपके डेट के द आइडिया इज टू वर्क ऑन क्राइसिस क्राइसिस पे जो इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आ गई है उन पे काम करना प्रिवेंशन बाय हाईलाइटिंग एरियाज ऑफ इकोनॉमिक इम्बेलेंस तो सबसे पहले है कि इकोनॉमिक सर्विलेंस रखना देखना कि कहाँ कहाँ पे कहाँ कहाँ जो पॉइंट्स हैं ऐसे हैं जहाँ पे वीक एरियाज़ हैं या नेगेटिव एरियाज है डेंजर के एरियाज हैं और उन क्राइसिस कोप अप करना नाउ द लोन्स टू कंट्रीज विद फाइनेंशियल क्राइसिस जो कंट्रीज ऑलरेडी फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रही हैं उनको क्या प्रोवाइड करना लोन्स देना आईएमएफ 300 बिलियन का लोनेबल फंड्स आईएमएफ हैज ऑलरेडी है ये कहाँ से आता है इनके मेंबर कंट्रीज भरते हैं जो कि डिपॉजिट करते कुछ कुछ अमाउंट जैसे कि अलग अलग मेंबर का अलग अलग रेशो अलग अलग परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे वो आईएमएफ में फंडिंग करते हैं डिपॉजिट करते हैं और उसी के बेसिस पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाता है मेंबर कंट्रीज़ को नाउ इन टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल इकोनॉमिक क्राइसिस द आई एम एफ मेंलिंग टू मेक अवेलेबल लोन्स लोन्स अवेलेबल कराता है एज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल री एडजस्टमेंट ताकि क्या हो सके एडजस्टमेंट हो सके नाओ कंडीशनल लोन स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट अभी हमने कौन कौन से पॉइंट पढ़ लिए दो पॉइंट एक इकोनॉमिक सर्विलेंस रखने का और लोन देने का थर्ड है कि वो क्या काम करता है कंडीशनल लोन या स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोवाइड करता है जब वो लोन देता है आईएमएफ इंसिस्ट ऑन सर्टेन क्राइटेरिया तो आईएमएफ जब लोन प्रोवाइड करता है तो वो ऐसे ही लोन नहीं देता वो किसी किसी क्राइटेरिया पे बेस होके या किसी चीज़ की फ्लक्चुएशंस के बेसिस पे देता है अब ये क्या फ्लक्चुएशंस हैं कौन कौन से रेट हैं वो देखते हैं दिस कैन इंक्लूड पहला इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कम करने के लिए महंगाई को कम करने के लिए डेफिसिट रिड्यूसिंग पॉलिसीज हायर टैक्सेस मतलब रिड्यूस ऐसी पॉलिसीज लेके आना है जिससे हमारा जो डेफिसिट है नेगेटिव बैलेंसेस है उनको क्या किया जा सके कम किया जा सके टैक्सेस को बढ़ाया जा सके थर्ड इज सप्लाई साइड पॉलिसी एज प्राइवेटाइजेशन डीरेगुलेशन एंड इम्प्रूवड टैक्स कलेक्शन टैक्स का कलेक्शन बढ़े टैक्स का कलेक्शन बढ़ेगा तो एनी हाउ गवर्नमेंट का रिवेन्यू इंक्रीज़ होगा रिमूविंग प्राइस कंट्रोल्स प्राइस के कंट्रोल को रिमूव करो ट्रेड रिमूविंग टैरिफ बैरियर्स टैरिफ बैरियर्स को भी रिमूव करो इवन अगर आप रिमूव नहीं कर सकते तो आप मिनिमाइज़ करने की कोशिश करो क्योंकि जब तक एक ट्रेड दूसरी कंट्री में नहीं होगा ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे नहीं होंगे तो वहाँ से डेफिसिट की जो सिचुएशन है वो कंप्लीट नहीं हो सकती डी ऑफ करेंसीज करेंसी को क्या किया जाए डीवैल्यू होने से रोका जाए टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट क्योंकि वैल्यू जो है करेंसी की अगर वो कम पे कम होती जाएगी तो वहाँ पर डेफिसिट के चांसिस नुकसान के चांसेज नेगेटिव वी के चांसेस बढ़ते जाएंगे ठीक है तो ये वाली सिचुएशन है जो कि कहाँ पे आती है आपकी करंट कंडीशनल लोन्स प्रोवाइड करना जो कि कंडीशन के बेसिस पे थे कंडीशनल लोन नाउ हाउ इज़ द आई एम एफ फाइनेंस्ड अभी हमने बात की थी कि आई एम एफ को फाइनेंस देता कौन है उसकी मेंबर कंट्रीज तो वही बात कर रहे हैं द आई एम एफ इज फाइनेंस्ड बाई मेम्बर कंट्रीज हु कॉन्ट्रीब्यूट फंड जो कि जब वो ज्वाइन होते हैं तो वो कुछ फंड कंट्रीब्यूट करते हैं दे कैन ऑल्सो इंक्रीज दिस वो बढ़ भी सकता है फंडिंग्स जो वो ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहे हैं डिपॉजिट जो आईएमएफ के अकाउंट में डिपॉजिट कर रहे हैं वो बढ़ भी सकता है इंक्रीज दिस थ्रू आउट देर मेंबरशिप तो आईएमएफ कैन आल्सो जो आईएमएफ है वो भी अपनी मेंबर कंट्री से बोल सकता है कि आपको फंड्स को क्या करना है रेस करना है फॉर मोर मनी आई एम एफ फाइनेंशियली रिसोर्स IMF आई एम एफ का जो रिसोर्स है वो बड़ा है कब से अबाउट फिफ्टी बिलियन नाइनटीन फिफ्टी में जो फिफ्टीन बिलियन था वो करीबन थ्री हंड्रेड बिलियन हो गया है पिछले साल सोर्स from कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि वन एट्टी थ्री नहीं अब कितने मेम्बर्स हो गए हैं वन मेंबर्स हो गए दिस इनिशियल अमाउंट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द कंट्री जो भी अमाउंट फंडिंग्स में दी जाती है वो किस पे डिपेंड करती हैं मेंबर कंट्रीज़ पे डिपेंड करती हैं कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे डिपेंड करती है एग्ज़ाम्पल के लिए द यूएस यूएस सबसे ज़्यादा डिपोजिट करता है आईएमएफ को क्यों क्योंकि जो यूएस का परसेंटेज है वो ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू द अदर कंट्रीज़ यूएस करेंसी सिक्सटी परसेंट वोटिंग राइट्स है आई में A reflection of its quota deposit with IMF. और जो यूके है उसके पास फोर परसेंट है आईएमएफ का वोटिंग राइट्स का तो जिसके पास जितने वोटिंग राइट्स होंगे जिसके पास जितनी ज़्यादा मेंबरशिप होगी तो वहाँ पे डिपॉजिट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और फंडिंग के भी नाउ लोन एट अ डिस्काउंटेड रेट डिस्काउंट रेट पे भी लोन दिया जाता है डेवलपिंग कंट्रीज को या जो पॉवर्टी को रिड्यूस करने के बारे में बात कर रही हैं डील विद पॉवर्टी रिडक्शन तो उसकी बात होती है कहाँ पे आपके आईएमएफ के अंदर तो ये इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आईएमएफ फंडिंग होती कहाँ से है Now, कही ना स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर के थ्रू भी कहीं ना कहीं फंडिंग होती है जो कि फाइव करेंसी का बास्केट है फाइव करेंसी बास्केट बोला जाता है आई को तो ये वाले कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे आईएमएफ हो गया और ये सब हो इवन इंटरनेशनल बिजनेस में आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो लेकिन क्योंकि ये कहीं कहीं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी एस्पेक्ट दे रखा है तो दैट इज वाई मैं इसको भी इसके अंदर इंक्लूड कर रही हूं ना फाइव करेंसी कौन कौन सी हो गई इसके अंदर यूरो पौंड, पौंड, स्टर्लिंग नेक्स्ट एन जापानीज यूएस डॉलर तो पांच कंट्री की करेंसी को जोड़कर एक बास्केट बनाई गई जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसीज़ बोली जाती है और उसके बाद एस को लॉन्च किया गया और ये 1969 में एस आया था आई यूज करता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स टू प्रोवाइड अ यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ कर फॉरन करेंसी मेम्बर्स स्टेट कैन ड्रॉन ऑन और एस को डिफाइन किया गया है पाँच करेंसीज के स्ट्रक्चर को एस बोला गया है और जब आप ये टॉपिक पढ़ते हो तो बहुत डिटेल में इसका स्ट्रक्चर दिया जाता है वहाँ पे सो so, इस लेक्चर वीडियो में आप लोगों ने क्या पढ़ा इंटरनेशनल मोनिट्री सिस्टम क्या होता है इंटरनेशनल मॉनिट्री सिस्टम के क्या एराज जो है वो हमने पढ़े और आईएमएफ को इन डिटेल पढ़ा नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में नेक्स्ट पॉइंट्स के साथ मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मैंशन में कर सकते हो आप लोगों को उसका रिवर्ट मिल जाएगा और आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग